और इस कार्यक्रम में आए सभी नागरिक बंधु भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हम देखते थे जब जयपुर एयरपोर्ट था तो पहले इसी पर आते थे। कई लोगों ने देखा नहीं होगा लेकिन हमने देखा है, और ये एयरपोर्ट ऐसा है कि इसकी बहुत अच्छी पहचान, क्योंकि सांगानेर का प्रिंट का काम था और उसके नाम से इसको जानते थे। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का लोकार्पण हमारे प्रदेश के विकास में निश्चित रूप से उन्नति का प्रतीक है। ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, भरपूर सुविधाओं वाला है, यात्रियों को बेहतर सुविधा इसमें मिलने वाली है। इसमें मैंने देखा है, जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो मंजू जी कह रही थी विकास भी और विरासत भी। इसमें हेरिटेज का लुक आपने दिया है और वैसे भी जयपुर हेरिटेज सिटी है, पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं, तो ये अच्छा लुक आपने दिया है। अच्छा, सुंदर संस्कृति और परंपरा को आपने ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। और आज इसका उद्घाटन होना भी हमारे लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर के महीने में 9-10-11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के मेहमान अधिकतर कुछ यहाँ आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हमें यहाँ मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के वर्ल्ड क्लास सिटी होने की छवि और निखरेगी। जयपुर आने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पहला अनुभव एयरपोर्ट से ही मिलता है, क्यों गांव में कहावत है ना कि गांव की शोभा गेत ही बता देते हैं। गेत का मतलब समझते हैं, नौरा होता है, क्योंकि गांव से बाहर होता है। तो ये कहावत है कि गांव की शोभा वो गेत बता देते हैं, इसलिए शहर की शोभा ये टर्मिनल बताएगा कि हमारा जयपुर कैसा है। और वो जो उसके मन में जो यादें रहती हैं, कहीं भी आप भी जाते हो, किसी प्रदेश में भी जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, देश में जाते हो, तो कुछ यादें लेकर के आते हो। तो पहला जब आप वहां उतरते हैं तो उसकी छाया आपके जीवन भर रहती है, और उसकी छाया ऐसी रहती है कि जैसे ही वहां का नाम आएगा तो वो दृश्य दिखने लग जाता है। तो एक अच्छा दृश्य जयपुर का दिखे, इसके लिए आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे अवगत करा है कि जयपुर हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता मौजूद 65 लाख है, जो आने वाले सालों में बढ़कर 3,80,00,000 होने वाली है। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है, अगर यह होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत बड़ा से फायदा भी मिलेगा, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, प्रदेश में व्यापार उद्योग को गति मिलने से आर्थिक विकास की समृद्धि भी होगी, और विकसित राजस्थान का जो हमारा संकल्प है निश्चित रूप से वो भी पूरा होगा। मेरा प्रयास है कि राजस्थान में निवेशकों और पर्यटकों दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हो, यह मील का पत्थर साबित होगा। मेरा यह भी मानना है कि प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल भी बढ़े तो उनका ठहराव भी बढ़ेगा, ताकि हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। हमेशा मैं कहता हूं, जिस जिले में जाता हूं मैं कहता हूं
आप अपने जिले में ऐसा की है, कोई ना कोई ऐसा काम करिए, उसको बढ़ाइए कि एक दिन में पर्यटक देख ही नहीं पाए, उसके मन में उत्सुकता रहे। और ये उत्सुकता अगर उसके मन में रहेगी कि ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, तो कुछ ना कुछ रह नहीं जाए, तो निश्चित रूप से वो एक दिन भी अगर रुकेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा। ये सभी जिलों में मैं जाता हूं, इस बात को मैं कहता हूं कि हम हमारे उन पर्यटक स्थलों को हम अच्छे बनाए, वो आकर्षण के केंद्र बने, और जब वो आकर्षण के केंद्र बनेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटक उसमें रुकेगा, और पर्यटक रुकेगा तो हमारा उस पर्यटक के रुकने से हमें लाभ होगा। सांस्कृतिक संग्रहालयों का विकास, विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए हमें सर्किट विकसित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, निश्चित रूप से अगर एक दिन का समय है तो कहां देखना चाहते हो, दो दिन का है, तीन दिन का है, और उनको लगे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, और अभी मैं समिट राजस्थान के लिए सभी जगह कई देशों में भी गया हूं, और मैंने सभी जगह कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत संभावना है। वैसे तो राजस्थान में जिस क्षेत्र की बात करें उसमें संभावना ही संभावना है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ के किले, हमारे यहाँ के महल, हमारे यहाँ का रेगिस्तान थार, हमारे यहाँ की झीलें, हमारे यहाँ के अभ्यारण्य, आप देखते हैं हर 25 किलोमीटर पर धार्मिक पर्यटन हमारा है। आप जिस भी दिशा में चलेंगे हर 25 किलोमीटर पर धार्मिक पर्यटन भी हमारा आपको आकर्षित करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस हवाई अड्डे का बहुत बड़ा लाभ हमें होने वाला है। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ आज प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम इनके विस्तार की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। कोटा में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए हमारा भारतीय विमानपत्तन अपराधिकरण के साथ एमओयू हुआ है। इसके साथ ही जयपुर में स्टेट टर्मिनल का विकास, उदयपुर और उत्तरलाई एयरपोर्ट का विकास और विस्तार, झालावाड़ हवाई पट्टी के उन्नयन और श्रीगंगानगर हवाई पट्टी के विकास के लिए भी हमारी प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम बीकानेर, कोटा और जैसलमेर हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा लंबे समय तक राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। राजस्थान जिस तरह से सड़क मार्ग, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, हमारा यह प्रयास है कि उसी तरह से हवाई मार्ग से भी हमारा राजस्थान ज्यादा से ज्यादा जुड़े, यह हमारा प्रयास रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत के अंदर आपने देखा होगा कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 10 साल पहले की स्थिति आप देख लीजिए और 10 साल के बाद देखिए कितना बड़ा अंतर पूरे देश में आया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक भारत है। केंद्र सरकार के पिछले एक दशक के प्रयास से अब हवाई जहाज का सफर मध्यम वर्ग के लिए भी आम बात हो गई है, और ये आम बात कब से हुई है, जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से उड़ान योजना प्रारंभ की है और उड़े देश का आम नागरिक, ये उनकी थीम थी कि आम नागरिक के लिए भी हवाई सुविधा मिले और सुगम हो, ये योजना बढ़ी है। करीब 1.5 करोड़ घरेलू यात्री इसका फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान विमान क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हमें पायलटों की कमी दूर करनी होगी। इसके लिए आपने देखा होगा हमने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का काम किया है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में प्रक्रिया चल रही है, और अभी मैं हरियाणा के चुनाव के अंदर भिवानी गया तो वहां जो फ्लाइंग स्कूल चलाते हैं उनके अधिकारी मेरे से मिलने आए,
कि साहब भिवानी में हम चलाते हैं, अगर आप हमें झुंझुनू को हवाई पट्टी को अगर आप हमें दे देते हैं तो हम भिवानी से उड़ाएंगे, झुंझुनू उतारेंगे, झुंझुनू से उड़ाएंगे तो भिवानी उतारेंगे, उनका हमारा सर्किट बन जाएगा, हमारे स्टूडेंट को सीखने में आसानी रहेगी और उसका एक मार्ग बन जाएगा कि उसको यहां से जाकर के वहां उतरना है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से आइए, झुंझुनू की हमारी हवाई पट्टी को देखिए, हमें उसमें क्या करना है ये हम करेंगे और आप अपना आराम से फ्लाइंग स्कूल उसमें खोलिए। राइजिंग राजस्थान समिट की अंतर्राष्ट्रीय मीट के दौरान मैंने संबंधित देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने एयरलाइंस की जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था करें। अगर सीधी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम होगा। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की फ्लाइट्स का जयपुर में टेक्निकल हॉल्ट किया जा सकता है। राजस्थान में आप एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग के लिए भी MRO भी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान में कई एयर स्ट्रिप उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारी कई हमारा सीकर हो, हमारा झुंझुनू हो, भीलवाड़ा हो, सिरोही हो, जालौर हो, ये हमारी बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप है, इनमें काम हो सकता है। आगे जैसे हमारी माउंट आबू की है, बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, इनके विकास की भी बात हमने कही है, निश्चित रूप से इनका विकास भी होगा। हमने एविएशन के फूल पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया है। एक तरफ जहां 26% टैक्स था उसे हमने हमारे बजट में मात्र 2% किया है, और उस 2% से हमें कितना लाभ हुआ है कि एक दिन में जा रहा था तो यहां 2 कार्गो खड़े थे। मैंने कहा इनका आने का कारण क्या है, इनका आने का कारण यही है कि यहां फ्यूल सस्ता मिलता है, इसके कारण से वो आते हैं और यहां पार्किंग भी यहां करके वो करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल हैं वो भी इसीलिए आए हैं कि उसका चार्ज यहां कम है। तो आने वाले समय में हमारा हमीरगढ़ में भी आ रहा है, सीकर में भी आ रहा है, और अब झुंझुनू की मैंने जैसा आपको बताया, अगर ये आते हैं तो निश्चित रूप से जो पायलटों की कमी है राजस्थान उसको भी पूरी तरह से पूरा करेगा और हमारे युवाओं का एक अच्छा भविष्य भी उसमें निर्धारित करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि विमानों की संख्या दिल्ली से यहां ज्यादा बढ़ गई है। हेली टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में हेलीपैड विकसित करने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हर जिले में हम हेलीपोर्ट बनाएंगे, और हेलीपोर्ट बनाने का उद्देश्य हमारा कि वहां हमारी पर्यटन की स्थिति अगर हमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो उसका लाभ भी हमें मिलता है, क्योंकि कई पर्यटक ऐसे आते हैं कि वो देखना चाहते हैं लेकिन उनके समय की कमी होती है, वो रोड से काफी समय में पहुंच पाएंगे, इसलिए उनको हवाई सेवा की आवश्यकता होगी और हमारा हर जिले में हेलीपोर्ट होगा तो उससे हमें लाभ होगा। तो इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। समस्त 7 जिला मुख्यालयों के अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी और पर्यटन की दृष्टि से एयर ट्रेवल को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण हम करेंगे। हम सब मिलकर राजस्थान के विकास की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारी सरकार निवेश और विकास की जो पहल कर रही है वे विकसित राजस्थान की राह में मील का पत्थर साबित होगा, और हम जल्द ही विकसित देश और प्रदेश के वासी होंगे, ऐसे प्रदेश के वासी होंगे तो देश में नंबर 1 का प्रदेश हमारा होगा। जयपुर एयरपोर्ट का यह टर्मिनल हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मददगार बनेगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में आपका योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं।